नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। आप सभी को इस करंट अफेयर्स की शुरुआत से पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी आज ईश्वर से कुछ मांगिए और मंदिर जाइए, थोड़ा सा अपने मन को शांत करिए। किसी भी तरीके को उधेड़ बुन हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, जब हम किसी भी देवी देवता को मानते हैं या किसी भी परमेश्वर के पास जाते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमारी मदद करें, तो हमें ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि जब कभी भी आप हताश हो, निराश हो, परमेश्वर से कुछ मांगें, वो ज़रूर ज़रूर आपको उससे लड़ने की ताकत देगा, उस समय के समय को हटाने की ताकत देगा, उस समय को पास करने की आपको ताकत देगा। तो आप सभी को श्री कृष्ण भगवान के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बड़े अच्छे से वो जन्मदिन मनाएंगे और आप काफ़ी सारा उल्लास मनाएंगे। आज के करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक स्क्रीन पर है कि अभी हाल ही में एक शहर ऐसा है, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि जब हम ट्रैफिक सिग्नल देखते हैं तो उस पर अक्सर जो मानव आकृति नजर आती है वो किसी न किसी पुरुष की होती है। उसको देखकर ऐसा लगता है कि हाँ, ये पुरुष की आकृति है, लेकिन अब उस आकृति की जगह एक महिला आकृति का प्रयोग किया गया है और भारत में ऐसा पहली बार हुआ है। तो वो कौन सा शहर है जिसने ऐसा किया, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट न्यूज, अभी हाल ही में जैसा कि आप सभी ने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ लिया होगा कि हमारे जो रक्षा मंत्री हैं वर्तमान समय में राजनाथ सिंह, उन्होंने आत्मनिर्भर अभियान जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था लॉकडाउन के दौरान, कि अगर हमें अपने देश को इस तरह की परिस्थितियों से बचाना है जो लॉकडाउन के दौरान आती हैं, तो हमें हर मामले में आत्मनिर्भर बनना होगा। तो ऐसे में अब आत्मनिर्भर अभियान आपका रक्षा क्षेत्र में भी पहुंच चुका है और 101 वस्तुओं की सूची जारी की गई है जिसमें से उनका निर्माण घर में ही किया जाएगा, यानी भारत में ही किया जाएगा, उन्हें विदेश से नहीं खरीदा जाएगा, उन्हें आयात नहीं किया जाएगा। लेकिन ये सब एक साथ नहीं होगा। 2020 में कुछ ऐसा आंकड़ा दिया गया है कि 2020 में 69 वस्तुएं रहेंगी जिनको इस निगेटिव लिस्ट में डाला जाएगा, यानी कि अभी तक जो भारत बाहर से खरीदता है उसे नहीं खरीदा जाएगा। भारत की बात करें तो भारत सबसे ज्यादा हथियार लगभग रशिया से खरीदता है, उसके बाद अमेरिका से खरीदता है, फिर इजराइल आता है, फिर फ्रांस आता है। दिसंबर 2021 तक 11 वस्तुएं और इसमें शामिल कर दी जाएंगी, दिसंबर 2022 में 4 वस्तुएं और शामिल कर दी जाएंगी, दिसंबर 2023 में 8 और 24 में 8 और फिर उसके बाद 2025। तो इस प्रकार 2025 तक पूरा प्लांट वे में 101 वस्तुएं हैं जिनको भारत बाहर से यानी विदेश से आयात करना बंद कर देगा और इन सभी रक्षा वस्तुओं का उत्पादन भारत में ही होने लगेगा। जिस वस्तुओं के उत्पादन में ज्यादा टाइम लगना है उनको दूर की लिस्ट में डाला गया है, मतलब वो 2025 में निगलेक्ट किया जाएगा। जिन जो वस्तुएं अभी तुरंत बनाई जा सकती हैं उनको अभी से डाल दिया गया है और 69 वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग या जिनका उत्पादन भारत में अभी किया जा सकता है, दिसंबर 2020 के बाद उनको बाहर से आयात नहीं किया जाएगा। इससे 2-3 फायदे भी होंगे। फायदा तो एक नंबर तो ये होगा कि रोजगार थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा सा जो हमारा पैसा है, जो हमारा फॉरेक्स एक्सचेंज है, वो हमारे पास ही बना रहेगा। दूसरा यह है कि एक नया सेक्टर भारत के अंदर उभर के आएगा और अगर हम इसमें सफल रहते हैं तो पूरा जो बाहरी देश है या जो विदेश है या जो अन्य देश है वो भी हमसे क्या कर सकते हैं, हथियार खरीद सकते हैं। तो हाल फिलहाल आइए न्यूज पर एक नजर डालते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 101 वस्तुओं की सूची की घोषणा की है जो आयात पर रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के हालिया निर्णय का अर्थ है कि सशस्त्र बल, नौसेना और वायुसेना के लिए इन 101 वस्तुओं की खरीद केवल घरेलू विनिर्माताओं के माध्यम से ही की जाएगी। ये घरेलू निर्माता निजी क्षेत्र के भी हो सकते हैं और रक्षा क्षेत्र का कोई भी सार्वजनिक उपक्रम भी हो सकता है। इसके अलावा देश में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो हथियार निर्माता है, जैसे कि आपका DRDO है, ऑर्डिनेंस है और OFC है, और अगर हम लोग बात करें तो HAL है जो हथियार निर्माता और विमान निर्माता है। जो इसके अलावा देश में रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए चालू वित्त वर्ष में 52,000 करोड़ रुपए का एक अलग बजट प्रावधान किया गया है ताकि इसको सिस्टमनाइज किया जा सके, इसको चैनलाइज किया जा सके। गौरतलब है कि रक्षा आयात संबंधी सरकार के उक्त प्रतिबंध चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे। सरकार द्वारा 101 वस्तुओं की सूची में 69 यानी 69 वस्तुओं के आयात पर इसी वर्ष दिसंबर माह से प्रतिबंध लग जाएगा। अगले चरण में 11 वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और फिर 2021 के अंत तक लागू किया गया। वहीं सूची में शामिल 12 वस्तुओं को वर्ष 2023 के अंत में और 8 वस्तुएं जैसा कि मैंने बताया कि 2024 में इस पर प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। इस निर्णय का कुछ जगह स्वागत भी हो रहा है और इस निर्णय का कुछ जगह विरोध भी हो रहा है, क्योंकि कई लोगों को अभी भी भारत की क्षमता पर शक है कि हम जिस तरीके के हथियार प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे में मान लीजिए हमारे पास कहीं युद्ध जैसी संकट की स्थिति खड़ी हो जाती है
तो युद्ध जैसी संकट की स्थिति में ये प्रावधान नहीं रहेंगे, फिर उनसे जब मजबूरी होगी तो उनको खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखें तो पिछले कुछ महीनों के दौरान काफी सारे बड़े बड़े रक्षा सौदे हुए हैं। 101 विदेशी रक्षा उत्पादों के आयात पर रोक, आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा, घरेलू रक्षा उद्योग को 4,00,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े रुपए का कॉन्ट्रैक्ट जो हम बाहर जाता था पैसा, वो हमारे देश में ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में ही उन्नत अवस्था आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। बस हमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का एक कंसर्न है कि वाकई में हम उस तरह की टेक्नोलॉजी प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अब ऐसी स्थिति नहीं है हमारे पास कि हम उस तरह की टेक्नोलॉजी प्राप्त ना कर सकें, क्योंकि जिन चीज़ों की हमें शायद ज़रूरत है, जिन चीज़ों की हमें मौजूदा अवस्था में ज़रूरत है, वो सारी की सारी चीज़ें भारत में बनाई जा सकती हैं, इसीलिए सरकार ने ये निर्णय लिया होगा। थोड़ा सा सरकार पर विश्वास रख सकते हैं। तो भविष्य में अन्य रक्षा उत्पादों पर भी लगाई जा सकती है। इस वित्त वर्ष 52,000 करोड़ रुपए का एक अलग बजट लाया जाएगा और ये काफी विचार विमर्श के बाद ये फैसला लिया गया है। अगली जानकारी तो चलते हैं। अभी हाल ही में मैंने आपको कुछ दिन पहले भी एक प्रेम भाटिया अवार्ड के बारे में बताया था, वो भी वो जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है। एक और जर्नलिज्म के लिए पुरस्कार भारतीय पत्रकार नितिन सेठी को दिया गया है, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित खोजी पत्रकारिता के रूप में उन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है, यानी कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का मतलब यह होता है कि पत्रकार इसमें क्या करते हैं कि अपने मन से, जैसे उनसे कुछ पूछताछ हो करते हैं, वैसे आपको पता है पत्रकार सभी जगह से पूछताछ करते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें पूछताछ में वो निष्कर्ष नहीं मिलते, तो उसके लिए उन्हें खोज करना पड़ता है, उन्हें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, और फिर उन इन्वेस्टिगेशन के बाद जो निर्णय निकल के आते हैं, जो साक्ष्य निकल के आते हैं, वो वहां पर उसको रखते हैं। और इस तरह की जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कहा जाता है। तो इसके लिए उन्हें, नितिन सेठी को, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पत्रकारिता पुरस्कार दिया गया है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया के भी पत्रकार रहे हैं और हफिंगटन पोस्ट इंडिया पर वर्तमान समय में काम कर रहे हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है पैसा पॉलिटिक्स। पैसा पॉलिटिक्स में इन्होंने 6 संस्करण लिए हैं और इन्हें जो पुरस्कार मिला है वो 6ठे संस्करण के लिए मिला है, जो इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर लिखी थी। इसके अलावा केपी नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल इंपैक्ट जर्नलिज्म हिंदू के शिव सहाय को प्रदान किया गया है। मतलब यहां पर 2 पुरस्कार के बारे में बातचीत हो रही है। एक पुरस्कार है एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म, ये 2,00,000 रुपए का पुरस्कार है, और उसके बाद एक पुरस्कार हो रहा है केपी नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल इंपैक्ट जर्नलिज्म, ये हिंदू के शिव सहाय सिंह को दिया गया है। ये पुरस्कार आपका 1,00,000 रुपए का होता है, जो सोशल जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है। सोशल इंपैक्ट जर्नलिज्म अलग चीज है, समाज में क्या इंपैक्ट पड़ा उनकी किताब का। ये किताब उन्होंने झारखंड के ऊपर लिखी थी। सेठी जो है उनको मिला है पैसा पॉलिटिक्स के लिए, जबकि सिंह यानी कि शिव सहाय सिंह को जो पुरस्कार मिला है वो मिला है डेथ बाई डिजिटल एक्सक्लूजन ऑन फैकल्टी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन झारखंड। झारखंड में जैसे कि माना जाता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में जनजाति लोग रहते हैं, ट्राइबल लोगों की संख्या वहां पर काफी ज्यादा अधिक है, और वो आज तक पूरी तरीके से वित्तीय समावेशन में नहीं आ पाए हैं, यानी उन्हें बैंकिंग सुविधाएं आज भी नहीं मिल पाई हैं। और ऐसे में जब हम इस तरह का डिजिटल एक्सक्लूजन कर रहे हैं, यानी कि जब हम ऐसी अर्थव्यवस्था को अपनाने जा रहे हैं जहां पे कैशलेस अर्थव्यवस्था होगी, तो ऐसे में जनजाति जब नहीं जुड़ पाएंगे तो वो कहीं ना कहीं समाज में और पीछे हो जाएंगे। तो उसके बारे में दर्शाती हुई, एक इम्पैक्ट दर्शाती हुई कि डिजिटल एक्सक्लूजन यानी कि अगर लोग डिजिटल से नहीं जुड़ पाए, आज डिजिटली नहीं हो पाए, आज उनके पास फोन नहीं पहुंचा, आज उनके पास ब्रॉडबैंड नहीं पहुंचा, तो वो किस तरीके से उनके समाज में इंपैक्ट आने वाला है, इसको दर्शाती हुई पुस्तक लिखी है शिव सहाय सिंह ने। तो एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म का जो पुरस्कार है वो मिला है आपका नितिन सेठी को, भारतीय पत्रकार हैं, पैसा पॉलिटिक्स के लिए, और शिव सहाय सिंह को सोशल इंपैक्ट जर्नलिज्म पुरस्कार मिला है। केपी नारायण मेमोरियल अवार्ड है, ये मिला है उनको डेथ बाय डिजिटल एक्सक्लूजन ऑन फैकल्टी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन झारखंड के लिए। इसके अलावा कुछ और पत्रकारिता पुरस्कार रहे इस साल जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, जैसे कि रामनाथ गोयनका अवार्ड, ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कैटेगरी के लिए, वैसे भी बहुत सारी कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है, रामनाथ गोयनका अवार्ड भारत का सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता पुरस्कार है। इन्वेस्टिगेटिव के लिए ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो इन्वेस्टिगेटिव के लिए मिला था पूनम अग्रवाल को, द क्विंट की लेखक है वो, और टीना ठाकर को मिला था, मिंट की लेखक है ये। इसके अलावा आपको याद होगा कि इस बार 3 भारतीयों ने पुलित्जर पुरस्कार जीता है फोटो जर्नलिज्म के लिए। उन्होंने कश्मीर में लॉकडाउन के दौरान या कश्मीर में जब बंद रहा उसके दौरान पुस्तकें खींची, उन पुस्तकों को पुलित्जर पुरस्कार, जिसे पत्रकारिता का नोबल कहा जाता है, वो इस बार प्राप्त हुआ था।
उनका नाम था दार यासिन मुख्तार खान, माफी चाहूंगा मैंने कहा उनका नाम था नहीं, वो सब अभी जीवित है, उनका नाम है दार यासिन मुख्तार खान एंड चन्नी आनंद को ये उनको पुरस्कार दिया गया, पुलित्जर पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। इसके अलावा आपको याद होगा कि विक्रम साराभाई जी की याद में इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने भी एक पत्रकारिता पुरस्कार शुरू किया है और ये इस बार उन लेखकों को दिया जाएगा। 12 अगस्त को इसको शुरू किया गया था, 12 अगस्त का मतलब आज का ही दिन विक्रम साराभाई के जन्मदिन दिवस के रूप में मनाया जाता है और उस दिन की याद में उन्होंने विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार किया शुरू किया था पिछले साल। अब इस बार उसके नॉमिनेशन वगैरह होंगे तो इस बार उसका अनाउंसमेंट भी किया जाएगा अभी। तो यहां पर विक्रम साराभाई पुरस्कार जो है उन लोगों लेखकों को दिया जाएगा जो साइंस के ऊपर काम करेंगे, जो साइंस के ऊपर पत्र लिखेंगे, साइंस के ऊपर लेटर लिखेंगे या साइंस के ऊपर कुछ खोज वगैरह के बारे में कुछ लिखेंगे। इसके अलावा दैनिक जागरण के प्रधान संपादक संजय गुप्त को इस बार लोकमान्य तिलक पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इंडियन एक्सप्रेस के दीपांकर घोष और एक वेबसाइट है PARI को 2020 का प्रेम भाटिया पत्रकारिता पुरस्कार दिया, ये अभी हाल ही में चर्चित था। तो ये एक तरह से पत्रकारिता पुरस्कार का पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट हो गया है। छोटी छोटी लेकिन ऐसे प्रयास करते रहेंगे, आप रोज मेरे साथ बने रहेंगे तो हम लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे। अब बात है मुंबई की। मुंबई ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में अपने ट्रैफिक सिग्नल के जो सिंबल है उसमें एक महिला आकृति को दर्शाना शुरू कर दिया है और ऐसा करने वाला मुंबई पहला शहर बन गया है। मुंबई यातायात संकेतों पर महिलाओं के प्रतीकों को प्रदर्शित करने वाला पहला भारतीय शहर बना है। परियोजना राज्य के पर्यटन मंत्रालय के नेतृत्व में चलाई जा रही है और ब्रह्म मुंबई नगर निगम के ट्रैफिक सिग्नल स्थापित किए गए हैं जो त्रिकोणीय फ्रॉक के साथ एक महिला के आइकन को प्रदर्शित करते हैं। तो मुंबई बिकम फर्स्ट सिटी इन इंडिया हैव अ फीमेल आइकन्स ऑन ट्रैफिक सिग्नल। अब देख पा रहे हैं ये ट्रैफिक सिग्नल पे, यहां पर पहले पुरुष की आकृति नजर आती थी लेकिन महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अब यहां पर मतलब क्यों पीछे रहे, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन है। अगली जानकारी है एलीट पैनल अंपायर। आईसीसी में एलीट पैनल अंपायर उन अंपायर्स को कहा जाता है, एलीट पैनल का मतलब, पैनल का मतलब आप समझ गए होंगे कि अंपायरों का समूह होता है जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के वनडे या एक दिवसीय या टेस्ट मैचों में अंपायरिंग करेंगे, इन्हीं को अंपायरिंग करने की छूट होती है, मतलब यही अंपायरिंग ही कर सकते हैं। तो हाल फिलहाल इसमें एक और नाम भारतीय जुड़ गया है और नितिन मेनन के बाद अब जो दूसरे अंपायर है उनका नाम है केएन आनंदा पद्मनाभन, केएन आनंदा अनंथा पद्मनाभन। तो भारतीय अंपायर नितिन मेनन को एलीट पैनल में शामिल किए जाने के बाद अब केएन अनंथा पद्मनाभन को आईसीसी के अंतरराष्ट्रीय अंपायरों पैनल में शामिल कर लिया गया है। अनंथा पद्मनाभन ने केरल के लिए 105 फर्स्ट क्लास और 54 लिस्ट ए गेम खेले हैं जिसमें क्रमशः 344 और 87 विकेट लिए हैं। इसके अलावा उनके नाम 3 प्रथम श्रेणी के शतक और 8 अर्धशतक भी शामिल हैं। अनंथा पद्मनाभन ने आईपीएल सहित सभी प्रमुख घरेलू टूर्नामेंटों में भाग लिया है, साथ ही वह पिछले साल बंगाल और सौराष्ट्र के बीच खेले गए रणजी ट्रॉफी के फाइनल में भी शामिल थे जहां उन्होंने शमसुद्दीन के घायल होने के बाद भी दोनों छोर पर अंपायरिंग की थी। पूर्व केरल स्पिनर अपने भारतीय साथी सी शमसुद्दीन, अनिल चौधरी और वीरेन शर्मा के साथ अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल हो गए हैं। और इस तरीके से अगर हम बात करें आईसीसी की तो आईसीसी के हेड वर्तमान समय में मनु साहनी है, शशांक मनोहर के इस्तीफा देने के बाद इमरान ख्वाजा थोड़े दिन के लिए इंटरिम चेयरमैन बने थे। आईसीसी के मैच रेफरी की बात करें तो डेविड बून ऑस्ट्रेलिया से, क्रिस बॉर्ड इंग्लैंड से, जेफरी क्रो न्यूजीलैंड से, रंजन मधुगुले श्रीलंका से, एंड्री पाइक्रॉफ्ट जिम्बाब्वे से, ऋषि रिचर्डसन वेस्टइंडीज से और इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से मैंने ये स्लाइड रखी कि भारत की तरफ से जवांगल श्रीनाथ आईसीसी के रेफरी पैनल में वर्तमान समय में शामिल है। जबकि अगर हम बात करें एलीट पैनल के अंपायर की, एलीट पैनल के अंपायर में अलीम दार पहले स्थान पर हैं पाकिस्तान के, ब्रूस ऑक्सनफोर्ड ऑस्ट्रेलिया, क्रिस्टोफर गैफने न्यूजीलैंड से, कुमार धर्मसेना श्रीलंका से, मैरियस एसमेथ साउथ अफ्रीका से, माइकल गॉफ आपके इंग्लैंड से, नितिन मेनन इंडिया, ये नाम आपको यहां पे सुनने को मिला नितिन मेनन इंडिया से, पॉल रेफेल ऑस्ट्रेलिया से, रिचर्ड इलिंगवर्थ इंग्लैंड से एंड रिचर्ड केटरप्रो आपके इंग्लैंड से, रॉडनी टकर ये भी ऑस्ट्रेलिया से एंड जोएल विल्सन वेस्टइंडीज से। तो ये अंपायरों का एलीट पैनल है जो अभी आईसीसी की वेबसाइट पे दिखाई दे रहा था। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट न्यूज आईसीसी के अंपायर और रेफरी से जुड़ी हुई, क्लेयर पोलोसॉक ऑस्ट्रेलिया की हैं और ये पहली ऐसी महिला है जिन्होंने पुरुषों की मैच में अंपायरिंग की थी। और हमारी फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर रही जीएस लक्ष्मी,
वो भारत की क्या मतलब पूरे विश्व की पहली महिला मैच रेफरी बनी है जिन्होंने पुरुषों के मैच में रेफरी किया है, यानी कि उन्होंने पुरुषों के मैच की आईसीसी की मैच रेफरी बनी है। तो जीएस लक्ष्मी मैच रेफरी पहली महिला, क्लेयर पोलोसॉक पहली महिला अंपायर। अगली जानकारी की तरफ चले तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, ये प्रकाश जावड़ेकर की फोटो नहीं है, ने मानव हाथी टकरारों पर एक राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया है। ऐसा देखा गया है कि बहुत जगह कभी कभी हाथी जो होते हैं वो एलिफेंट जो होते हैं जिन्हें हम जंबो भी कहते हैं वो मनुष्य का खून कर देते हैं, और कभी मनुष्य अपनी गाड़ियों या टक्कर से हाथियों को कुछ कर देते हैं। जैसे कि अभी पिछले कुछ महीने पहले एक घटना घटी थी जिसमें कुछ शरारती तत्वों ने एक हाथनी को पटाखे खिला दिए थे, तरबूज में पता नहीं क्या किसी फल में पटाखे खिला दिए जिससे उसकी मौत हो गई थी। तो इस तरह की जो उल्टी सीधी घटनाएं होती हैं इनको सुरक्षित करने के लिए और क्विक रिस्पॉन्स देने के लिए, अच्छे से इनका रिस्पॉन्स प्रणाली हो उसके लिए 12 अगस्त को हर साल हम क्या करते हैं 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस मनाते हैं या विश्व हाथी दिवस मनाते हैं। तो इस दिन एक पोर्टल का शुरुआत किया जा रहा है, यानी आज ही के दिन से एक पोर्टल की शुरुआत की जा रही है जो सुरक्षा, जो कि हाथियों और मानव के बीच में इस तरीके का जो उल्टा सीधा संवाद हो रहा है जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे की जान ले सकते हैं उसके लिए क्विक रिस्पॉन्स किया जा सके। तो फिलहाल इस पोर्टल का उद्देश्य वास्तविक समय पर यानी रियल टाइम पे जानकारी हो, सही समय पर इनके प्रयासों को किसी तरीके से रोका जा सके। साथ ही यह पोर्टल डेटा संग्रह करेगा, प्रोटोकॉल करेगा और हाथियों के ऊपर थोड़ा सा एक नजर भी रखेगा कि किस तरीके से कितने हाथी हैं हमारे पास। देखा जाए तो 2017 की सेंसस के मुताबिक पूरे भारत में 27,312 हाथी हैं, जिसमें से नॉर्थ ईस्ट रीजन में यानी कि आपके पूर्वोत्तर राज्यों में 10,139 हाथी हैं। राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा हाथी आपको कर्नाटक में देखने को मिलेंगे जहां 6,049 हाथी हैं, और मैमथ काउंट ये 2017 की पॉपुलेशन पर आधारित है। प्रोजेक्ट हाथी एक या प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है ये 1992 में शुरू किया गया था ये प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम का जो मेन उद्देश्य था कि किसी तरीके से हाथियों का जो अवैध शिकार हो रहा है उसे रोका जा सके और हाथियों की संख्या को थोड़ा सा बढ़ाया जा सके। तो हाल फिलहाल इसमें जो लगना था प्रोजेक्ट में पैसा लगना था उसमें 60% सेंटर का था और 40% आपका स्टेट का था। स्कीम 16 स्टेट में शुरू की गई थी आंध्र प्रदेश को मिलाकर, और इंडिया में अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में 32 हाथी रिजर्व है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट जानकारी भारतीय रेलवे से संबंधित, भारतीय रेलवे ने अपना मस्कट शुभंकर एक हाथी को बनाकर रखा हुआ है, इसका नाम भोलू है। भोलू ने ग्रीन लैंटर्न ले रखा है और ये भोलू गार्ड है, इसने गार्ड की वर्दी पहन रखी है, और ये रेलवे जब 150 साल पूरे हुए थे रेलवे के तो उस समय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ने इस हाथी को या इस भोलू को डिजाइन किया था। तो ये आपका भारतीय रेलवे का मस्कट है। तो कई सारी जानकारी थी यहां पर जम्बो डेटा के। 12 अगस्त को हम लोग विश्व हाथी दिवस मनाते हैं। वर्तमान समय में अगर आंकड़ों की बात करें तो 27,312 हाथी पूरे भारत में है। सबसे यहां हाथी आपको कर्नाटक में देखने को मिलेंगे, फिर आपको असम में देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में काउंटिंग के मुताबिक 232 हाथी हैं। भोलू जो है वो हमारे इंडियन रेलवे का मस्कट है, और इसके अलावा प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है जो हाथियों को सुरक्षित रखने के लिए शुरू किया गया था, यह 1992 में शुरू किया गया प्रोजेक्ट है। अगली जानकारी तब चलते हैं तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्य केंद्रों शासित प्रदेशों में ई संजीवनी ओपीडी प्लेटफॉर्म समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए इन टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्मों की लोकप्रिय बनाने में राज्यों के योगदान की सराहना की। ई संजीवनी एक पोर्टल है जिसमें आप उसका मदद ले सकते हो, अगर आप बीमार पड़ते हो तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हो तो इस पोर्टल की मदद से आप एक चिकित्सकीय परामर्श ले सकते हो, डॉक्टर से सलाह ले सकते हो कौन सी दवा लेनी है। तो हाल फिलहाल ज्ञान देने योग्य बात यह है कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में राष्ट्रीय टेली मेडिसिन सेवा प्लेटफॉर्मों ने 1,50,000 से अधिक टेली परामर्शों को पूरा किया है और अपने घरों में रहते हुए ही मरीजों को डॉक्टरों के साथ परामर्श करने में सक्षम बनाया है। नवंबर 2019 के बाद बहुत कम समय में ही ई संजीवनी और ई संजीवनी ओपीडी द्वारा टेली परामर्श कुल 23 राज्यों द्वारा लागू किया गया है और अन्य राज्य इसको शुरू करने की प्रक्रिया में है। ई संजीवनी ओपीडी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सबसे अधिक परामर्श प्रदान करने वाले राज्यों में बात की जाए तो इसमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल है। तो बस आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जो है वो ई संजीवनी के माध्यम से सबसे ज्यादा परामर्श प्रदान कर रहे हैं। अगली जानकारी है बांग्लादेश सरकार जो है 1971 में अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पाकिस्तान द्वारा मारे गए भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक युद्ध स्मारक बनाने का फैसला कर रहा है और इसे अशोकगंज में बनाया जाएगा। बांग्लादेश में वर्ष 1971 में सभी शहीदों के लिए ढाका के बाहरी इलाके में एक राष्ट्रीय स्मारक है, लेकिन यह प्रस्तावित स्मारक केवल भारतीयों के लिए ही बनाया जाएगा।
क्योंकि वर्ष 1971 की लड़ाई के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों और भारतीय सेना के बीच सहानुभूति की सराहना हमेशा से की गई है। उस टाइम बहुत अच्छा इनके बीच में तालमेल देखने को मिला था। वर्ष 1971 में बांग्लादेश के लिबरेशन युद्ध में, यानी कि बांग्लादेश को जब मुक्त कराया गया था पूर्वी पाकिस्तान से, वो बांग्लादेश बना था। ब्राह्मणवाड़िया जिले के आसूगंज की अहमियत की वजह से बांग्लादेश की हसीना सरकार ने यहाँ 3.5 एकड़ जमीन पर चयन किया है और यहीं पर एक युद्ध स्मारक बनाया जाएगा जो भारतीयों की याद में होगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, आपके राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद, बांग्लादेश की मुद्रा टका और राजधानी है ढाका। अगली जानकारी है, विदेश मंत्रालय ने फिर से कुछ राजदूत नियुक्त किए हैं और इस बार राजदूत नियुक्त किए हैं मनीष प्रभात को उज्बेकिस्तान का राजदूत बनाया गया है, जबकि आईएएस अधिकारी वीरेंद्र कुमार पाल को केन्या में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। मनीष प्रभात उज्बेकिस्तान, वीरेंद्र कुमार पाल केन्या। इसके अलावा पिछले 6 महीने के दौरान जो कुछ भी अरेंजमेंट हुआ है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग, कहां कहां पे कौन कौन से राजदूत गए हैं। फिलहाल केन्या के बारे में बात करें तो केन्या में किसको भेजा जा रहा है, केन्या में भेजा जा रहा है वीरेंद्र कुमार पाल को। तो वीरेंद्र कुमार पाल जब केन्या जाएंगे तो केन्या की राजधानी है नैरोबी, राष्ट्रपति उहुरु केन्याता वर्तमान समय में है और केनियन शिलिंग यहां की मुद्रा है। इसके अलावा अगर हम बात करें उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, उज्बेकिस्तान सोम, यहां पे मुद्रा चलती है सोम, जबकि राष्ट्रपति हैं शावकत मिर्जियोयेव। तो मनीष प्रभात जाएंगे उज्बेकिस्तान और वीरेंद्र कुमार जाएंगे आपके केनिया। अगली जानकारी पे चलते हैं। अगली जानकारी में पिछले 6 महीने के दौरान जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं एज ए एम्बेसडर या हाई कमिश्नर उनके बारे में बात करते हैं। बहरीन गए हैं पीयूष श्रीवास्तव, कतर दीपक मित्तल, श्रीलंका गोपाल बागले, नेपाल विनय मोहन कोत्रा, कनाडा अजय बिसारिया, यूएसए तरनजीत सिंह सिंधु, हर्षवर्धन संगला की जगह, टर्की संजय कुमार पांडा, फ्रांस जावेद अशरफ, नाइजर श्री प्रेम कुमार नायर, नायर नाइजर याद रखिएगा, ब्रिटेन गायत्री ईश्वर कुमार, पपुआ न्यूगिनी सुशील कुमार सिंगल, फिनलैंड प्रवीश कुमार, कुवैत सीबी जॉर्ज, स्विट्जरलैंड मोनिका कपिल मोहता, रोमानिया राहुल श्रीवास्तव, फिलीपींस शंभु एस कुमारन, जिम्बाब्वे विजय खंडूजा, बांग्लादेश विक्रम दोराई स्वामी और अफगानिस्तान गए हैं रुदेंद्र टंडन। तो ये अभी पिछले 6 महीनों के दौरान जितने भी अपॉइंटमेंट एज ए हाई कमिश्नर या एज ए एम्बेसडर हुए हैं वो सारे के सारे यहां पर हैं, दो वहां पर हैं, तो आप उनको जरूर याद रखे रहिए क्योंकि इनमें से कोई भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बारी है हमारी न्यूज फटाफट की। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे हर साल की तरह इस बार भी 10 अगस्त को मनाया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा हर साल 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस अवसर पर थीम रही जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर भारत, जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत। विश्व जैव ईंधन दिवस को पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के तौर में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल मनाया जाता है। साथ ही यह दिन जैव ईंधन के क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों को उजागर करता है। जेट्रोफा का नाम याद रखिएगा, जेट्रोफा एक ऐसा पौधा है जो बायोफ्यूल के लिए बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। वैसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे बायोफ्यूल बनाया जा सकता है, बट जेट्रोफा के जो बीज हैं उनको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है बायोफ्यूल बनाने के लिए। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि जैव ईंधन किससे बनाया जाता है, जेट्रोफा का जरूर याद रखिएगा। अगली जानकारी है, ये मुझे लगता है दोबारा आ गई, वर्ल्ड ट्राइबल डे। कल भी मैंने आपको बताया था वर्ल्ड इंडिजिनियस डे। ट्राइबल यानी कि जिन्हें जनजाति, मूल निवासी, आदिवासी ऐसा बोला जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम रही है COVID-19 एंड इंडिजेनियस पीपल्स रेजिलियंस। ये दोबारा हो गई इस स्लाइड। अगली जानकारी, बेरूत में जो धमाका हुआ, आप सभी को पता है कि वहां पे अमोनियम नाइट्रेट में जबरदस्त धमाका हुआ था जिसकी वजह से 100 लोगों की जान चली गई और बहुत सारे लोग घायल हुए थे। और ऐसे में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया क्योंकि उसका जिम्मेदार उन्होंने सरकार को माना और सरकार को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया है। लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने बेरूत के धमाकों के बीच कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफे के बाद अपनी सरकार के इस्तीफे की घोषणा कर दी है। विस्फोट से नाराज लोग सरकारी महकमे की लापरवाही और सरकार की अयोग्यता के ऊपर आरोप लगाते हुए सड़क पर उतर आए थे और पूरी सरकार से त्यागपत्र की मांग कर रहे थे। लेबनान के राष्ट्रपति माइकल आउन ने प्रधानमंत्री समेत पूरी सरकार का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। हालांकि राष्ट्रपति ने हसन दियाब से नई सरकार के गठन तक पद पर बने रहने की बात की है। तो हसन दियाब लेबनान के प्रधानमंत्री, पूरे कैबिनेट के साथ इस्तीफा देना पड़ गया। अगली जानकारी है, बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको फिर से जीत गए हैं। जब से आजाद हुआ है बेलारूस तब से लगातार लुकाशेंको ही वहां पर राष्ट्रपति बने हैं।
तो बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बेलारूस के राष्ट्रपति चुनाव में 80.23% वोट हासिल करके लगातार छठा कार्यकाल भी जीत लिया है। इन चुनाव में लुकाशेंको के मुख्य प्रतिद्वंदी अंग्रेजी शिक्षक स्वेतलाना तचानेस्काया को केवल 9.9% वोट मिले हैं, लेकिन केवल 9.9% वोट के साथ ही उन्होंने साबित कर दिया है कि अब लुकाशेंको की जो सरकार है उसको कहीं ना कहीं जाना होगा, क्योंकि अभी तक वो हमेशा निर्विरोध चुने गए हैं, उनके खिलाफ पहली बार कोई खड़ा हुआ था। तो फिलहाल बेलारूस पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था और 25 अगस्त 1991 को यह सोवियत संघ से अलग हुआ और स्वतंत्र देश बना। इसके बाद यहां एक अलग संविधान बना जो 1994 में आया। इसके तहत देश में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था तय की गई। जून 1994 को बेलारूस में पहला राष्ट्रपति चुनाव हुआ जिसमें लुकाशेंको ने जीत हासिल की। तब से अब तक वही राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे हैं। अब तक बेलारूस में 5 चुनाव हो चुके हैं, लेकिन जीत लुकाशेंको को ही मिली है क्योंकि वो निर्विरोध लड़ते हैं। इस बार राष्ट्रपति लुकाशेंको के खिलाफ पहली बार बदलाव का प्रतीक बनकर उभरी थी एक महिला, उनका नाम है स्वेतलाना तिखानोवस्काया। इनके पति जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके खिलाफ इनको लगा कि अगर ये राष्ट्रपति के चुनाव लड़ती हैं तो लोग इन्हें सीरियसली लेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इनका समर्थन किया और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि लग रहा था कि जैसे ये इस बार बेलारूस में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। बेलारूस की बात करें तो राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, राजधानी मिंस्क है, मिंस्क एम, और यहाँ पर चलता है रूबल, करेंसी यहाँ पर रूबल है, मेन यहाँ पर रूसी भाषा बोली जाती है। अब बारी है आज के हमारे वन लाइनर की। ट्रैफिक सिग्नल पर महिला प्रतीकों का उपयोग करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? मुंबई। एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ऑफ अवार्ड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किसने जीता है? नितिन सेठी ने। सुरक्षा एक राष्ट्रीय पोर्टल है जो भारत मानव और हाथी के बीच के संघर्ष को क्विक रिस्पॉन्स करने में मदद करेगा। ई संजीवनी और ई संजीवनी ओपीडी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सबसे अधिक परामर्श प्रदान करने वाले शीर्ष राज्य में कौन सा है? तमिलनाडु। और राजनाथ सिंह ने रक्षा उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य कितनी वस्तुओं की सूची की घोषणा की है जिनके आयात पर प्रतिबंध लगेगा? वो है 101 वस्तुएं। और किसको उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? उनका नाम है मनीष प्रभात। और बांग्लादेश सरकार ने 1971 में अपने देश में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पाकिस्तान द्वारा मारे गए भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक युद्ध स्मारक बनाने की बात की है। भारतीय अंपायर नितिन मेनन को एलीट पैनल में शामिल किए जाने के बाद अब किसको एलीट पैनल में शामिल किया गया है? अंपायरों के पैनल में शामिल किया गया, अंतरराष्ट्रीय अंपायरों के पैनल में शामिल किया गया, तो केएन अनंथा पद्मनाभन। कंफ्यूज मत होइएगा, वो एलीट पैनल में है या अंतरराष्ट्रीय अंपायरों के पैनल में है, यानी कि आईसीसी जो भी मैच कंडक्ट कराएगी अब इसमें ये अंपायरिंग कर पाएंगे। 2020 विश्व जैव ईंधन दिवस का विषय क्या रहा? बायोफ्यूल टूवर्ड आत्मनिर्भर भारत। एंड अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस की विषय क्या रही? COVID-19 एंड इंडिजिनियस पीपल रेजिलियंस। किसने बेलारूस के राष्ट्रपति का लगातार छठा कार्यकाल जीत लिया है? तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको। और लेबनान के प्रधानमंत्री जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया उनका नाम क्या था? उनका नाम है असन दिया। अब बारी है आज के हमारे क्विज की। सुरक्षा एक राष्ट्रीय पोर्टल है जो मानव और हाथी के बीच के संघर्ष को रोकने के लिए प्रयास किया जाएगा। ट्रैफिक सिग्नल पर महिला प्रतीकों का उपयोग करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना? वो है मुंबई। और एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ऑफ अवार्ड फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किसने जीता है? तो वह है नितिन सेठी। ई संजीवनी और ई संजीवनी ओपीडी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सबसे अधिक परामर्श प्रदान करने वाला राज्य कौन सा रहा? तो सबसे ज्यादा परामर्श प्रदान करने वाला राज्य रहा तमिलनाडु। एंड राजनाथ सिंह ने कितनी वस्तुओं की घोषणा की है जिनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाएगा, उनको आयात नहीं किया जाएगा, उनको केवल भारत में बनाया जाएगा? वो है 101 रक्षा वस्तुएं। और ग्रेट निकोबार द्वीप में कितने करोड़ रुपए लागत से एक पोतांतरण यानी कि एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट डेवलप किया जा रहा है? तो 10,000 करोड़ के साथ, आई थिंक 10,000 ज्यादा हो गया, ये वाला होगा वो ज्यादा। हाल ही में भारतीय एम्पायर जिनको आईसीसी के अंतरराष्ट्रीय एम्पायरों के पैनल में शामिल किया है उनका नाम क्या है? केएन अनंथा पद्मनाभन। और अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस का विषय क्या है? 9 अगस्त को मनाते हैं इंडिजिनियस पीपल्स रेजिलियंस, COVID-19 एंड इंडिजिनियस पीपल्स रेजिलियंस। और 2020 विश्व जैव ईंधन दिवस के लिए विषय क्या है? तो इस बार बायोफ्यूल टूवर्ड आत्मनिर्भर भारत। किसने बेलारूस के राष्ट्रपति का लगातार छठा कार्यकाल जीता है? तो उनका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। और लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दी आपको इस्तीफा देना पड़ गया है अपने यहां विरोध प्रदर्शनों के चलते। किसको उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? उनका नाम है मनीष प्रभात, जबकि वीरेंद्र कुमार को केनिया में राजदूत नियुक्त किया गया। सरकार ने वर्ष 1971 में अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मारे गए पाकिस्तान द्वारा मारे गए किन भारतीय सैनिकों के याद में एक युद्ध स्मारक बनाने की बात की है? तो वो कौन सी सरकार है? वो है बांग्लादेश सरकार।
तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और उम्मीद करता हूँ ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखता हूँ, थैंक यू सो मच, बाय बाय।